आगामी 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक का उद्देश्य यह है कि सुचारू रूप से सदन को चलाया जा सके। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी सहित सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। होता है वो पारित हो, सदन का पूरा जो समय है सत्र का, उसका हम सब बेहतर ढंग से जनहित में उपयोग करें, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और समवेत स्वर में सबों ने माना कि सदन बेहतर ढंग से चले, सबों का सहयोग मिले। हम सबों ने आग्रह भी किया है और लोगों ने सहयोग करने के लिए करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है कि सदन बेहतर ढंग से चले, उसके लिए सबों में राय बनी। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। आप कहेंगे कि राष्ट्रपति बने, अभी तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, अभी तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं।